बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट फूड एंड लाइफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काली मसूर दाल बनाने की एक बहुत ही अनोखी सी, बहुत ही यूनिक रेसिपी। ये बहुत टेस्टी बन करके तैयार होती है, बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही अच्छी होती है ये खाने में। अगर आप वेजिटेरियन है तो एक तरह से आपके लिए ये ट्रीट है, आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी अच्छी होती है खाने में। तो चलिए मैं इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ आपको। ये मैंने 200 ग्राम्स के करीब काली मसूर दाल ली हुई है और ये मैं इसमें मैं मिक्स करूंगी। ये है उड़द की दाल बिना छिलके वाली जो होती है, ये 50 ग्राम्स के करीब है। इन दोनों को मिक्स करके पूरा इनका मेजरमेंट 250 ग्राम्स के करीब होता है। और ये मैंने लिया हुआ है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है 1.5 टीस्पून। और ये मैंने स्मॉल साइज की प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। ये 3 हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने चॉप करके रख लिया है। ये हरा धनिया है थोड़ा सा, इसे मैंने चॉप कर लिया, इसे एंड में डालेंगे। और ये कुछ मैंने पाउडर्ड मसाले लिए हुए हैं, ये है गरम मसाला पाउडर, ये 1/2 टीस्पून है। ये है हल्दी पाउडर, ये भी ये 1 टीस्पून है। और ये धनिया पाउडर है, ये 1.5 टीस्पून के करीब है। ये नमक है 1 टीस्पून है भर के। और ये लाल मिर्चों का पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून है। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैंने खटाई ली हुई है, जो ड्राई मैंगो होता है मार्केट में आसानी से मिलता है, अगर आपको मिल जाता है तो आप वो डाल दें, और अगर नहीं मिलता है तो ड्राई मैंगो पाउडर तो बहुत ही आसानी से मिलता है, आप वो 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुकर को फ्लेम पे चढ़ा दिया है और इसमें ऑयल भी डाल दिया है। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ये मैंने रिफाइंड तेल यूज़ किया, अगर आपके पास सरसों का तेल है तो फिर आप वो यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है, उससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है इस दाल का। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी हम हाई फ्लेम पर ही रखेंगे। और अब हम इसमें प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें सारे पाउडर्ड मसाले, गरम मसाला पाउडर के अलावा सारे गरम मसाले जो भी हमने पाउडर्ड मसाले लिए हुए थे वो सब हम इसमें डाल देंगे। और फौरन से पानी डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, ताकि मसाले जले ना। और साथ ही इसकी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। अब इन मसालों को हमें तब तक के भूनना है जब तक कि इनका इसमें से तेल उज आउट नहीं हो जाता, अच्छे से कलर इनका चेंज नहीं हो जाता और अच्छे से भून नहीं जाते, पानी पूरा जल नहीं जाता, तब तक हमें इसे भूनना है। मसालों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है, वरना मसाले जल जाएंगे तो उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं और कलर भी उनका अच्छा सा आ गया है, पानी पूरा जल चुका है। तो अब हम इसमें दाल दोनों जो हमने ली थी वो धो के डाल देंगे अच्छे से, और पानी साथ में उसके ऐड कर देंगे। इसमें दाल मैंने ऐड कर दी है और इसमें अभी मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला है, जो होता है नॉर्मल घर में यूज़ होता है ग्लास 300 ml का, जो नॉर्मल एक मेजरमेंट होता है ग्लास का, तो उतना मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला है। और अभी हम देखते हैं इसमें कितना पानी और जाएगा। इसमें मैंने टोटल 750 ml के करीब पानी डाला हुआ है। और अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे, और इसे प्रेशर कुक हाई फ्लेम पे करना है जब तक इसमें एक प्रेशर आ नहीं जाता। और उसके बाद जब एक प्रेशर आने के बाद हम इसका फ्लेम को लो कर लेंगे और उस तब तक ये पकाएंगे जब तक कि दाल अच्छे से गल नहीं जाती, जो कि तकरीबन 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक का टाइम होता है, जब दाल अच्छे से गल के मिक्स हो जाती है एक दूसरे में, तब तक कि हम इसे पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। हमने इसे लेट से कवर कर दिया है और अब हम इसके कम्प्लीट गलने के बाद और 10 से 15 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है, तो अब चलिए इसे खोल करके देख लेते हैं कि ऐसे बन करके तैयार हुई है, सही से गली है या नहीं। तकरीबन हमने इसे 15 मिनट तक, पूरा टोटल टाइम इसका कुकिंग टाइम 15 मिनट तक का था। अब 15 मिनट के बाद हम इसे खोल करके देख लेते हैं। देखिए दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है और काफ़ी अच्छे से मिक्स भी हो गई, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है, बस इसकी कंसिस्टेंसी बस इतनी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं खाया जाता है इसे। और अब हम इसमें जो हरा धनिया, हरी मिर्ची हमने रखी थी और गरम मसाला पाउडर बचा के रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल के इसे 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे, इसी के प्रेशर में ही पकाएंगे इसे, गैस का फ्लेम नहीं ऑन करना है। ये हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया और हरी मिर्ची भी डाल देते हैं, गरम मसाला भी डाल देंगे साथ में ही, और इसे इसी के प्रेशर में अभी, जो इसमें प्रेशर अभी बाकी रह जाता है हीट की वजह से, तो उसमें ही इसे 2 मिनट के लिए बंद करके रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमने इसके प्रेशर को अब रिलीज़ होने दिया 2 मिनट, उसमें प्रेशर अपने आप दोबारा से फिर बन जाता है जो हीट की वजह से, उसे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप रिलीज़ होने दें, और वो जब रिलीज़ हो जाए तो निकाल करके सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया सी मसूर दाल हमारी बन करके बिल्कुल तैयार है,
और आप इसे ठंड में चावलों के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होती है। आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करके बनाएंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको बहुत मजा आएगा इसे खाने में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी सारी वीडियो अपडेट्स आप तक आपको मिल सके। और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दें। अल्लाह हाफिज़।